चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सर्व पावर। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, सर्व छात्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएं क्या है, सर्व पावर शोध अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह विषय चर्चा में क्यों है? सर्व पावर का पूरा नाम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम है। यह योजना महिला केंद्रित है जिसका उद्देश्य अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। इससे संबंधित है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्व पावर योजना के दो घटक होंगे। पहला सर्व पावर फेलोशिप यानी छात्रवृत्ति, दूसरा सर्व पावर रिसर्च ग्रांट यानी शोध अनुसंधान। सर्व पावर छात्रवृत्ति की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका लक्ष्य 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग की महिला शोधकर्ताओं को शामिल करना है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 25 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करना है। यह संख्या किसी भी समय 75 से अधिक नहीं होगी। इसकी अवधि 3 साल बगैर किसी विस्तार की संभावना के होगी और प्रत्येक वैज्ञानिक को उसके करियर में एक बार अवसर मिलेगा। सर्व पावर शोध अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? पावर अनुसंधान महिला शोधकर्ताओं को 2 श्रेणियों के माध्यम से वित्त पोषण करके उन्हें सशक्त बनाएगा। श्रेणी 1 में IIT, IISER, IISC, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के संस्थानों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के आवेदक शामिल होंगे। इनका वित्त पोषण का पैमाना 3 साल के लिए 60 लाख रुपए तक का रखा गया है। श्रेणी 2 में राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदक शामिल होंगे। इसका वित्त पोषण का पैमाना 3 साल के लिए 30 लाख रुपए तक का होगा। इस योजना के लाभ क्या है? सर्व पावर फेलोशिप और अनुदान राष्ट्रीय फलक पर मान्यता के लिए एक मानक के रूप में काम करेंगे। यह महिला वैज्ञानिकों को सशक्त बनाएगी। शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में महिलाओं के लिए अनुकूल संस्कृति पैदा करेगी। महत्वपूर्ण संस्थाओं में नेतृत्व करने वाले पदों पर महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। आज का प्रश्न है, सर्व पावर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस योजना की शुरुआत में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है। कथन 2, यह महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना 1 ना ही 2। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।